चलो, द पीक वोल्टेज है द आउटपुट ऑफ वेव फॉर्म। अगर वेव फॉर्म आपको दिया हुआ है, हाँ ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करना, खास करके इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पीक वोल्टेज ऑफ द आउट वेव हाफ रेक्टिफायर फीड विद ए सिनोसाइडल सिग्नल विदाउट द फिल्टर सर्किट इज 10 वोल्ट। अब देखो यार, एक हमारे पास रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर है, और उस रेक्टिफायर का जो सिनोसाइडल सिग्नल जो है वो पीक वोल्टेज 10 वोल्ट है। समझना, ये हमारे पास, हमने ये सिग्नल हमने इनपुट दिया, तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उस वो क्या करेगा, तो हाफ वेव रेक्टिफायर जो है वो आउटपुट जब देगा, पढ़े होगे कि जो निगेटिव वाला आउटपुट है उसको गायब कर देता है और जो पॉजिटिव वाला है वो दे देता है। तो ये पॉजिटिव वाला आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट है वो ये है, और ये क्या था, इनपुट है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर का इनपुट है, ये आउटपुट है। तो ये पूछ, हम सबको पता है कि ये जो चीज होती है, ये इसमें एसी और डीसी दोनों कंपोनेंट होते हैं, फ्लक्चुएटिंग करंट होता है, इसका जो नेचर होता है ये तो प्योर एसी है, ठीक है, लेकिन जो ये जो मिला, जो आउटपुट मिला हाफ वेव रेक्टिफायर का, उसमें एसी भी मिक्स है और डीसी भी मिक्स है। तो जब एसी, क्योंकि फिल्टर नहीं किया गया, जब फिल्टर नहीं किया गया तो एसी डीसी दोनों है यार, तो एसी डीसी दोनों है, तो इसमें जो एसी का कंपोनेंट होता है, जो मैक्सिमम पीक एसी कंपोनेंट होती है, उसकी पीक वोल्टेज 2 times मल्टीप्लाइड बाई बी आर एम एस, ये आप एसी में पढ़े होंगे। तो जो एसी है उसके लिए मैं लगा रहा हूँ, वेव फॉर्म जो आया है उसमें एसी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है और एसी की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितनी है, यहाँ से निकाल सकते हो। और जो डीसी है, इसी में जो डीसी है उसकी जो डी जो करंट जो यहाँ से वोल्टेज क्या है, वोल्टेज है ना, तो चलो यहाँ से वोल्टेज जो डीसी है वो होता है पीक वैल्यू ऑफ एसी डिवाइडेड बाई पाई। ये कहाँ से आया, ये मुझे सपने नहीं आए थे, ये डिराइव किया जाता है, ठीक है। तो ये जो इस वाले में जो डी ए सी है उसको, उसके कंपोनेंट ऐसे निकालोगे, और इस वाले में जो डी सी है उसके कंपोनेंट ऐसे निकालोगे, ए सी की पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय पाई, और ए सी की पीक वैल्यू रूट 2 times ए सी की आर एम एस वैल्यू और डिवाइडेड बाय पाई। तो ये इस तरह से हम डीसी और एसी के कंपोनेंट निकालते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, ये तो दोनों के लिए लगेगा, ठीक है। चलो ये आप पढ़े होंगे, अगर जनरली पढ़ाते नहीं है लोग, तो अभी यहाँ पे क्या क्या है, अभी यहाँ पे क्या निकालना, ये वाली फार्मूला लगाना है, डीसी कंपोनेंट, डीसी कंपोनेंट कितना होगा, तो पीक वोल्टेज एसी का, तो पीक वोल्टेज एसी का, पीक वोल्टेज एसी का 10 है और डिवाइडेड पाई से डिवाइड कर दूँ, तो ये मतलब बी ऑप्शन सही है। चलो अभी कहता है बैरियर पोटेंशियल।